बहुत अच्छा बनी सी क्या नाम की कौन सी कि पड़ी गए प्रेम की उस बात में और चित चोर आप चित चोर पग भारी रंग में जब सी पग भारी
स्वधारी श्री राम का नाम था दोस्तों। प्रभु ने छाती में लात मारी, बस तभी से नाम पढ़ो भगवान। तो रंग भूमि में जब सिय पग धारी, तो रूप देखे वो हे नर नारी। यानी सीता को देख के नहीं, श्री राम को देख के स्त्रियां पुरुष सब मोहित हो गए। आप आइए आगे। सीता ने जयमाला लिए खड़ी है, बड़े बड़े बहादुर लोग धनुष तोड़ने के लिए पड़ गए हैं, लेकिन धनुष टूटना तो बड़ी बात है, एक तिल भी किसी ने हिला नहीं पाया। अंत में तुलसीदास ने फिर शंका कर दी, उन्होंने ये लिख दिया कि भूप से श्रद से कई बार। तुलसीदास कहते हैं एक बार में 10,000 राजा लग गए, लेकिन धनुष फिर भी नहीं उठा। तो भक्तों, यहां पर भी शंका है कि जब 10,000 राजा धनुष से लग गए, तो वो धनुष कितना लंबा था जो 10,000 राजा बन गए। तुलसीदास के कहने का मतलब ये है कि जितने बहादुर धनुष तोड़ने के लिए आए थे, उन सब की गिनती 10,000 की थी। वो सब 10,000 थी और सबको एक ही बार, सबको केवल एक ही बार धनुष तक जाने का मौका मिला था, दोबारा नंबर नहीं आया। जब धनुष नहीं हिला, महाराज जनक भरे दरबार में खड़े हो गए और कहने लगे, बाबू तुम लोगों को बाबा कहते हुए भी हमें शर्म आती है। कहां जानता था कि पृथ्वी पर कोई बाबा नहीं है, अन्यथा धनुष तोड़ने का संकल्प ही नहीं करता था। मेरी बहादुरी हो चुकी हो चुकी, अरे तुम लोगों को की और क्या देख रहे हो, सजाओ वासन जाने का घर जाओ और अर्जो नबी दी पाई नहीं दिवाओ। सीता के विवाह की आशा छोड़ो, चले जाओ अपने अपने घर के लिए। भगवान ने सीता का विवाह किस्मत में लिखा ही नहीं। बहादुरों की गर्दन झुक गई, सभा में सन्नाटा सा खिंच गया, लेकिन लक्ष्मण से ये बात सही नहीं गई और लक्ष्मण बीच में उठ के खड़े हो गए और चिल्ला करके कहने लगे, जनक राज क्या कह रहे हो, पृथ्वी छत्रियों से खाली है।